नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केडी सिंह को गिरफ्तार किया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं केडी सिंह और झारखंड से भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। तो केडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि केडी सिंह अल्केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड के कर्ता धर्ता है। केडी सिंह की यह कंपनी है और ईडी ने 2016 में केस दर्ज किया था। यह मामला पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया था। आरोप था कि इस कंपनी ने लोगों को 900 करोड़ का चूना लगाया है। सेबी ने कंपनी के डायरेक्टर और शेयर होल्डर पर मामला दर्ज किया था। केडी सिंह की कंपनी अल्केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड पर यह केस दर्ज किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पहले भी केडी सिंह की संपत्ति को सीज किया गया था। करीब 239 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी, जिसमें रिजॉर्ट, शोरूम और बैंक खाते भी शामिल थे। केडी सिंह के ठिकानों पर पहले भी ईडी की टीम छापामारी कर चुकी है और अब केडी सिंह को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं केडी सिंह और झारखंड से भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में केडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, केडी सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, केडी सिंह झारखंड में इसलिए भी यहाँ पर चर्चा के विषय बनेंगे क्योंकि यहाँ के राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ के भी इसको देखा जा रहा है। बुधवार को ही प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। और ये केडी सिंह कौन है, मैंने आपको बताया, झारखंड से भी पहले राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। अल्केमिस्ट नाम की एक बड़ी कंपनी है, उसके एमडी है, मालिक है। और इसके अलावा इनकी एक एविएशन कंपनी भी थी जिसका सेंटर जमशेदपुर में था। बहरहाल ये बंगाल शिफ्ट हो गए थे, इन तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा भी गए थे। बहरहाल इनको इससे पहले भी नोटिस उठिस गया था, इनकी संपत्ति भी जब्त हुई थी। ये एक अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड नाम की कंपनी भी ये चलाते हैं, चिट फंड की कंपनी भी ये चलाते थे। ये मामला पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया है। आरोप ये है कि इस कंपनी ने लोगों को करीब 1900 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। सेबी की ओर से कंपनी और इसके शेयर होल्डर्स पर मुकदमा किया गया है। जी धन्यवाद है शाहनवाज इन तमाम अपडेट्स के लिए।